हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ट्रैवल अपडेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस कंट्री के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ जिस कंट्री के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। इस कंट्री का नाम है थाईलैंड। इसकी ट्रैवल अपडेट जो है आ गई है कि किस तरह से अगस्त एंड से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवल। तो छोटी सी ट्रैवल अपडेट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन लोग जा सकते हैं, कौन कौन इंडिया से थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे देखते हैं वीडियो में किस तरह से आप ट्रैवल करेंगे थाईलैंड। फ्रेंड्स, थाईलैंड एम्बेसी ने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं दी थी कोई भी। सब इस अपडेट के लिए परेशान थे कि इंडिया से थाईलैंड कब ट्रैवल स्टार्ट होगा। थाईलैंड में पिछले कुछ दिनों ज़्यादा केसेस बढ़ने की वजह से उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें फॉलो करी, बहुत ज़्यादा देखा कि लोग वाया होकर तो नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो उनके क्या पर्पस हैं, वो सही से प्रॉपर वैक्सीन लगवा कर या PCR टेस्ट करा कर आ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था थाईलैंड। तो अब जो है एम्बेसी ने अनाउंस कर दिया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ के वो लोग हैं जो इंडिया से थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा इसके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो से जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वही अपडेट देंगे जो एम्बेसी पोस्ट करती है, एम्बेसी निकालती है अपने जो न्यूज़ लेटर है उसके अंदर। तो यहाँ एम्बेसी ने बोला है कि वो जो भी थाईलैंड जाएगा विजिट वीज़ा पर, COE लेटर और वीज़ा जिनको मिलेगा, वो सिर्फ वो लोग हैं जो थाई नेशनल्स नहीं है लेकिन थाई नेशनल्स के साथ उन्होंने कोई उनका रिलेशन है, जैसे स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, वो लोग कर सकते हैं। मतलब अगर कोई इंडिया का नेशनल है और वो थाईलैंड में किसी से शादी की हुई है उसने, या उसके पेरेंट्स वहाँ पर हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो थाईलैंड जा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके व्हाट्सअप आए मेरे पास, मैसेजेस आए कि भाई मेरी वाइफ है थाईलैंड में जो कि थाई नेशनल है, तो क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ, वापस मैं इंडिया में किसी काम से आया था तो फंस गया। तो ये ऐसे लोग जो हैं थाईलैंड जा सकते हैं अगर वो लोग उनको इन्वाइट करें, इन्विटेशन भेजें और आगे के वीज़ा का प्रोसेस जो है एम्बेसी से वो करा सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है इनका कि थाईलैंड में जो है जो थाई नेशनल नहीं है वो किस तरह थाईलैंड जा सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो जो लोग ब्लड रिलेशन में या वैसे हस्बैंड वाइफ हैं और वो इंडिया में हैं, या साथ में ट्रैवल करने कहीं निकले थे, एक इंडियन है एक थाई नेशनल है, साथ में कहीं ट्रैवल करने निकले थे, वो वापस आ सकते हैं। साथ के साथ इसमें बिजनेस और जो एंट्री रेजिडेंस परमिट वाले हैं, मतलब किसी के पास रेजिडेंस परमिट है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है थाईलैंड से और उसने थाईलैंड जाके काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अपना जमाया है और वहाँ पर उसके रेंट एग्रीमेंट हैं, फ्लैट्स हैं उसके, और वो बिजनेस करता है वहाँ पर, रेजिडेंस ID कार्ड वो होल्ड करता है, उसको जाने की भी परमिशन पहले नहीं थी, अब वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ के लिए ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड के लिए, जब भी ट्रैवल की ज़रूरत होगी। तो ये उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि अगर किसी के पास रेजिडेंस कार्ड है थाईलैंड का तो वो भी थाईलैंड के लिए अब अपना वीज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट में चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्पॉस, ये लोग जो है थाई नेशनल अगर हैं और इंडियन से शादी हुई है या उनके बच्चे हैं वो इंडिया में हैं स्टक या कहीं और हैं, तो वो थाईलैंड वापस आ सकते हैं, या साथ में ट्रैवल करने निकले हैं तो भी वापस आ सकते हैं। सेकंड नंबर पर आ गए बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है थाईलैंड का, वो लोग वापस आ सकते हैं। थर्ड में जो आते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ वाले और डिप्लोमेट्स, जो थाई नेशनल डिप्लोमेट्स बाहर हैं वो भी वापस थाई में ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड में, जो कि अब उन्होंने बैन अनलिफ्ट कर दिया है इन जगहों से, जो जो इंडिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो वेलकम कर रहे हैं थाई नेशनल्स को, और उनसे जुड़े हुए जो भी अदर नेशनैलिटीज़ के लोग हैं उनको। अभी नॉर्मल लोगों के लिए विजिट वीज़ा स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ये कुछ रिलीफ मिला है लोगों को जो जा सकते हैं। इसमें COE लेटर और वीज़ा इजीली इशू हो रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह की कुछ आपकी कंडीशन है, सिचुएशन है, तो आप थाई वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, इजीली हो सकता है, फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो रही हैं। तो आने वाली कुछ अपडेट्स में शायद हमें विजिट वीज़ा की भी कुछ जानकारी मिल जाए तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो ये जो है अभी तक की थाईलैंड की ट्रैवल अपडेट है कि आप किस तरह कौन कौन लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थाईलैंड की वीडियो ज़रूर आएगी विजिट वीज़ा जब स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्या कॉस्टिंग है, क्या विजिट वीज़ा किस तरह से लग रहा है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इवन सर्विसेज विजिट वीज़ा की हम यहाँ से देंगे आपको। इसमें भी अगर कोई सर्विस चाहिए आपको इससे रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, और हमें जो है इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको इससे भी बेटर और जो है ट्रैवल अपडेट्स, आगे जो ट्रैवल रिलीफ होता रहेगा वैसे वैसे हम अपडेट डालते रहेंगे।
तब तक आप हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।